नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के अजनी स्टेशन पर सांप दिखने पर मचा अफरा तफरी का माहौल, सुरक्षा कर्मियों ने सांप को धर दबोचा। सावनेर के SBI बैंक में 2,70,000 की बैग लिफ्टिंग, दिन दहाड़े हुई बैग लिफ्टिंग से मचा हड़कंप। और ऑक्सीजन प्लांट के लिए नागपुर महानगर पालिका ने सिंगापुर से मंगाई मशीनें, केटी नगर में स्थापित हुआ प्लांट। और अब खबरें विस्तार से। अजनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर सांप दिखने से यात्रियों में हंगामा मच गया। प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन 02834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी थी। स्टेशन मैनेजर माधुरी चौधरी और लोहमार्ग पुलिस के जवान श्रीकांत उके के तीव्र प्रयास से सांप को पकड़ लिया गया और ट्रेन की जांच भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे यह ट्रेन अजनी स्टेशन पर रुकी। S11 कोच में सवार कुछ यात्री नीचे उतरे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सांप बैठा दिखाई दिया। उसे देखते ही यात्रियों में डर के मारे हड़कंप मच गया। कोच में सांप होने के भय से अधिकांश यात्री बाहर आ गए। इस बीच सांप मिलने की जानकारी स्टेशन मैनेजर चौधरी को मिली। उन्होंने तुरंत GRP जवान और सर्प मित्र श्रीकांत को कॉल किया और सहायता मांगी। GRP नागपुर के तहत वर्धा थाने में तैनात श्रीकांत ड्यूटी से घर लौटे ही थे। जानकारी मिलते ही वे 10 मिनट में अजनी स्टेशन पहुंच गए। इस समय तक सांप प्लेटफॉर्म पर ही जमा था। करीब 4 फीट लंबे सांप को पकड़ने के बाद भी यात्रियों को डर था कि कहीं कोच में भी कई सर्प न हो। ऐसे में श्रीकांत ने पूरे कोच में भी जांच की। उनका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही फिर ट्रेन रवाना की जा सकी। सावनेर के स्टेट बैंक के सामने भरी दोपहर में 2,70,000 रुपयों से भरी बैग चोरी होने से खलबली मच गई। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल अज्ञात चोरों ने ध्यान भटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी अनुसार सावनेर केलोद मार्ग पर मंगसा निवासी रुपेश छत्रपाल रहाटे और रजत रामराव रहाटे एक्टिवा गाड़ी से 2,70,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दोपहर करीब 2:45 बजे स्टेट बैंक के सामने आए। रजत गाड़ी स्टैंड पर लगा ही रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर पर कुछ गिरा। इस तरह ध्यान भटकाकर अज्ञात चोर रजत की गाड़ी पर रखा पैसों का बैग छीनकर भाग खड़ा हुआ। पैसों भरी बैग लेकर भाग रहा यह चोर बैंक के सामने से दौड़ता हुआ बस स्टैंड की ओर जाकर मदन शेंडे की फूलों की दुकान के सामने से निकलता हुआ CCTV कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। उसकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कुछ देर के लिए बैंक परिसर में खलबली मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सावनेर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कराड़े के मार्गदर्शन में सिपाही प्रकाश खोके, नीलेश तायडे, दिनेश घाड़गे जांच में जुटे हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में ऑक्सीजन के लिए भागदौड़ और वह नहीं मिलने के कारण हुई त्रासदी किसी से छपी नहीं है। भविष्य में इस तरह की परेशानी न हो इसके लिए मनपा की ओर से अहम कदम उठाए गए हैं, जिनमें मनपा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। इन्हीं प्रयासों के तहत स्मार्ट सिटी और परसिस्टेंट फाउंडेशन के समन्वय और सहयोग से KT नगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो सका। इस प्लांट के स्थापित होने के कारण अब मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही 50 बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताई। महापौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए KT नगर अस्पताल उपयुक्त साबित होगा। कोरोना की पहली लहर में मनपा ने शहर की अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं और लोगों के सहयोग से गरीब मजदूर और जरूरतमंदों को भोजन और यात्रा, बेघरों के लिए रहने की व्यवस्था कराई थी। दूसरी लहर में स्थिति इसके विपरीत रही है। इस समय लोगों को दवा, ऑक्सीजन और बेड के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पहली लहर में लोगों को अत्यावश्यक सुविधाएं निधि की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकी, किंतु दूसरी लहर में निधि होने के बावजूद ऑक्सीजन की सुविधा के लिए त्राही त्राही मची रही। यह स्थिति पुनः न हो इसी उद्देश्य से मनपा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की योजना बनाई गई। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि प्लांट के लिए परसिस्टेंट फाउंडेशन ने CSR निधि उपलब्ध कराई है। भविष्य में कोरोना की स्थिति निर्मित होने पर उस स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकल्प की मदद होगी। प्रस्तावित मशीन सिंगापुर से मंगाई गई। इस पर लगभग 45 से 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
मंगलवार को महापौर और आयुक्त राधाकृष्णन बी के हाथों ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस बार सिटी के जूनियर कॉलेजों में 11वीं प्रवेश के लिए सीईटी ली जाने वाली है। परीक्षा के लिए मंगलवार से पंजीयन की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेबसाइट पर रोल नंबर डालने पर अंक सूची से मेल नहीं हो रहा है। राज्य शिक्षा मंडल ने भी वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आने की बात कबूली। 10वीं की परीक्षा नहीं होने और शत प्रतिशत परिणाम घोषित होने के कारण ही सरकार ने सीईटी के माध्यम से 11वीं के प्रवेश लेने का निर्णय लिया। इसके लिए करीब महीने भर पहले से ही तैयारी की जा रही थी। पंजीयन के लिए वेबसाइट तैयार की गई, परीक्षाएं ऐच्छिक रखी गई थे। इसके बावजूद छात्र अपनी मनपसंद जूनियर कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीटी में शामिल होना चाहते हैं। पंजीयन के लिए छात्रों को वेबसाइट पर रोल नंबर डालना है। इसके बाद एक के बाद एक जानकारी सामने आएंगी, लेकिन जब छात्रों ने रोल नंबर डाला उसके अनुसार उनकी 10वीं की अंक सूची मैच नहीं कर रही थी। छात्रों ने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस वजह से कई छात्र पंजीयन ही नहीं करा सके, वहीं कई बार एरर आने से भी वे परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद मंडल ने वेबसाइट की दुरुस्ती की जरूरत महसूस की है। मनपा के पास नियमित रूप से वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन नया टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की जा रही है। पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन, बाद में वैक्सीन आपके परिसर में, और अब वृद्ध लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का मानस जताते हुए घर घर वैक्सीनेशन अभियान चलाने की घोषणा की गई। ये भले ही अच्छा हो, लेकिन वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं होने से इसे किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर संदेह जताया जा रहा है। मनपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति का टीकाकरण कराना है उसकी संपूर्ण जानकारी लिंक पर शेयर करनी होगी। संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के बाद मुहिम के लिए गठित टीम संबंधित के घर जाकर वैक्सीन देंगी। वैक्सीनेशन के बाद परिजन 30 मिनट तक संबंधितों को ध्यान रखेंगे। अत्यावश्यक होने पर मोबाइल टीम को स्वास्थ्य की जानकारी दे। एक और जहां और वैक्सीनेशन के लिए नए अभियान की घोषणा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मनपा प्रशासन ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी भी उजागर की है। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि कोविशील्ड का कोटा उपलब्ध नहीं होने के कारण मनपा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सरकारी और मनपा के सेंटर्स पर बुधवार को वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकेगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी घोषित किए जाने के बाद आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से 30 अप्रैल 2020 और 21 मई 2020 को अध्यादेश जारी किए गए थे। इनके अनुसार अस्पतालों में 80% बेड पर भर्ती होने वाले मरीजों से वसूली जाने वाले शुल्क तथा 20% मरीजों से वसूली जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया था। सरकार के आदेशों के अनुसार महानगर पालिका आयुक्त ने शहर में स्थित सभी कोविड अस्पतालों के लिए इसी तरह का अध्यादेश निकाला था। इसे चुनौती देते हुए हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा अध्यादेश रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में एसोसिएशन का मानना था कि राज्य सरकार को इस तरह का अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। गैर कोविड मरीजों से बीमारी के आधार पर कितना शुल्क लिया जाए यह संबंधित अस्पताल का अधिकार है।
याचिकाकर्ता का मानना था कि संविधान के शेड्यूल 7 में निर्धारित सूची 3 में संसद ने अपने अधिकारों के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 में संशोधन किया, जबकि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा और देखभाल कानून 2011 में संशोधन किया है। साथ ही महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया। इस तरह से संशोधन करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है। इसके बावजूद इन कानूनों का हवाला देते हुए अध्यादेश जारी किया गया। इस तरह से संविधान द्वारा कार्य को लेकर दिए गए मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश MR शाह की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में दखलंदाजी से इनकार कर याचिका को खारिज कर दिया। पृथक विदर्भ राज्य की मांग के लिए आगामी 9 अगस्त से नागपुर में अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंगलवार को विदर्भ राज्य समिति के बैनर तले आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती में विदर्भवादी नेता वामनराव चटप ने जानकारी देते हुए बताया कि विदर्भ में हुए अन्याय के लिए आंदोलन किया जाएगा। स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ब्रिटिश काळापासून 1905 पासून 116 वर्षापासूनची आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति गेल्या 9 वर्षापासून वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी काम करते आणि त्यांनी निर्णय केला की विदर्भाचं राज्य मिळवल्याशिवाय मरायचं नाही सगळ्या नेत्यांनी, आणि म्हणून वेगवेगळी आंदोलनं आम्ही आतापर्यंत केली, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत होणार झालेली सगळी आंदोलनं केली, आणि 9 ऑगस्टला आम्ही ज्या भाजपनीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी गडकरी साहेबांना आम्हाला लेखी दिलं होतं, फडणवीस आणि यांनी राज्याच्या मुनगंटीवार आणि राज्याच्या प्रमुख म्हणून पक्षाचे प्रमुख म्हणून जागर केला आणि त्यांचं केंद्रात सरकार आल्यावर ते देत नाही, त्यांचा 97 भुवनेश्वरचा ठराव आहे, काँग्रेसचाही 20 आणि 27 ठराव आहे आणि ते देत नाही, म्हणून आम्ही केंद्राच्या सरकारला सांगतोय की विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य कबूल केलं तशाप्रमाणे प्रभू रामचंद्राच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्ही रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण न जाई परवचन न जाई याप्रमाणे तुम्ही विदर्भाचं राज्य द्या, अन्यथा भाजपवाल्यांनो विदर्भातून चालते व्हा, क्विट विदर्भ अशा तऱ्हेची मागणी आम्ही करतो आणि म्हणून 9 ऑगस्टपासून आम्ही चले जाओ हे आंदोलन करतोय नागपूरला विदर्भ चंडिकेसमोर, आणि 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्याच्या दिवशी आमच्या विदर्भ राज्याच्या स्वातंत्र्याची पहाट उगवेल हे या निमित्ताने आम्हाला कृतीतून दिसेल असं दिसतंय, आणि म्हणून ही आंदोलनाची मालिका आम्ही जाहीर केलेली आहे। नागपूर के रहिवासी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ पुना में एक धोखा होता है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह उलझ जाती है, लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और अपना संघर्ष जारी रखती है। आज सामाजिक तिरस्कार के बावजूद करीब 2 साल तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसके धोखेबाज आशिक को जम्मू से पकड़कर लाया जाता है, जिसे 2 महीने तक की सजा भी मिल जाती है। यह कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा साबित होती है जो प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जान देने की कोशिश या अपने जीवन को तबाह कर देती है। इस लड़की की संघर्ष गाथा को जानने की कोशिश की VKB न्यूज ने। देश में महिला अत्याचार या फिर किसी लड़की के साथ किया गया बुरा व्यवहार, ऐसे केस दिन ब दिन आते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले होते हैं कि वो महिला या फिर वो लड़की जिसके साथ अत्याचार हुआ हो वो कोर्ट तक जाए और अकेली संघर्ष करते रहें, और संघर्ष करते करते उसका संघर्ष वहाँ तक पहुँच जाए कि जब कोई समाज का व्यक्ति उसको टोक रहा हो या फिर उसको पीछे खींच रहा हो तो वो अकेली रहकर उस संघर्ष को आगे लेके जाए और संघर्ष को कोर्ट तक लेके जाए, और कोर्ट भी फिर बाकी पुलिस और बाकी की चीज़ों पर दबाव डालकर या फिर उस लड़की के साथ में खड़ा होकर उसको न्याय दिला सके। ऐसा एक मामला नागपुर में सामने आया है, हालांकि ये मामला नागपुर का नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे ये मामले की तो इस मामले की जो तह जो है साल से 1.5 साल पहले या फिर 2 साल पहले की बात है कि ये मामला पूना का है, लेकिन लड़की जो है वो नागपुर की है, जिसने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज वो यहाँ तक पहुँची है कि उस लड़के को हवालात की हवा खिला दी, वो जेल पहुँच गया, 2 महीने की सजा हुई, बावजूद इसके अभी वो कंडीशनल बेल पर बाहर है। फिर से गुहार लगाई है उस लड़की ने कि उसको सज़ा मिले, और वो अपने जैसी लड़कियों को जिनके साथ अत्याचार हो उसको कुछ कहना चाहती है। आपका नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो संघर्ष आपने किया आपके साथ, शॉर्ट में बताइए कि क्या हुआ था, कहाँ पर उस लड़के से मुलाकात हुई थी, कौन था वो, और कितना आपको इसके पीछे जिल्लत झेलनी पड़ी। सर, वो लड़का जम्मू का है और हम लोग पूना में मिले थे, लेकिन वो सब कुछ सर मेरे साथ एकदम से ज़बरदस्ती किया गया है, शादी का झूठा वादा देके
इवन तो यही नहीं, जब अभी वो अरेस्ट हुआ था तो अरेस्ट होने के बाद उसके पेरेंट्स का कॉल आया कि हम लोग शादी करने के लिए तैयार है। हम लोग मतलब सब कुछ किया सर, मेरे पेरेंट्स से भी, मेरे पापा से भी बात की उसके पापा ने, बट सर उसके बाद जब रिटर्न कॉल किया गया मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, तब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही उन्होंने कोई रिस्पांस दिया है, और सीधा उन्होंने सर बोल दिया कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब इस तरह का उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बिहेवियर किया हुआ है। और यही नहीं सर, मतलब इस तरह से शादी का झूठा वादा देके उसने सर बार बार मतलब मेरे साथ वो अत्याचार किया हुआ है। तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हुई है। मैंने ट्राई भी किया था मतलब इस अपने आप को बाहर इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, बहुत लोगों ने मुझे पीछे खींचा था इस केस से, बट सर मैंने हार नहीं मानी। मतलब बाकी लड़कियां जैसे निर्भया जैसे कांड होते हैं, हैदराबाद जैसे कांड होते हैं, तो मैंने उस चीज़ में हार नहीं मानी और इस केस को आगे लेके गई। हो कोविड के वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया इस केस में, पर सर मैंने बिल्कुल भी मतलब हार नहीं मानी। और आज वो लड़का बेल पे छूटा हुआ है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उसको अच्छे से अच्छी सज़ा जज दे, और मैं मतलब पुलिस को और जजेस को और पॉलिटिकल्स को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, इतनी मतलब मुझे पेरेंट्स का तो कोई सपोर्ट नहीं था ज़्यादातर, लेकिन सर उनके हेल्प की वजह से ही आज मैं आई थिंक आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ जस्टिस। क्या चाहती है अब जम्मू पुलिस से, किस तरह की मदद चाहती है? सर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे हेल्प की हुई है और मतलब मुझे सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस भी मुझे हेल्प करे और सपोर्ट करे मुझे इस केस में, जिस तरह से वो बेल से बाहर अभी निकला हुआ है। तो मतलब जिस तरह से मेरे साथ आज हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि जम्मू की लड़कियों के साथ उस तरह का बर्ताव हो या फिर उस तरह का कोई घटना घटी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जम्मू पुलिस मुझे हेल्प करे, सपोर्ट करे और साथ दे मेरा। क्या हुआ था, कितने साल की आपकी दोस्ती थी, आपका प्यार था, आप कितना ट्रस्ट करते थे उन सारी चीज़ों पर? और पूना में अगर बात की जाएगी तो लड़के ने आपसे क्या क्या वादे किए थे, उसका नाम भी अगर आप बताएंगे तो भी चलेगा। क्या क्या वादे किए थे और उसके बाद में जो धोखा जो उसने किया, तो आप कितनी तरह कैसे टूट गए थे? सर पहले मैं बताना चाहूँगी, उसका नाम शहजाद रमजान वानी है और वो कटरा वैष्णो देवी में रहता है, चिंतामणि मंदिर के पास में। और सर मतलब लाइक जब भी मैं बोलती थी शादी के लिए, उसके घर पे गई हूँ मैं शादी के लिए बात करने के लिए, उसके पापा रमजान वानी जी, मैंने उनको भी बताया सर इन सारी चीज़ों को, वो नहीं माने। तो मैं उनके सर मम्मी को बताया, मम्मी भी सर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बोलने लगी, लाइक बहुत ज़्यादा गंदा सर, हाँ कटरा में। तो यही नहीं सर, उसके भाई ने भी मतलब मुझे मारा, उसकी बहनों ने भी मुझे जान से मार डालने की धमकियाँ दी कि फिर सर वो उसके बाद मैं उसके ताया जी है, तो मैं उसके ताया जी के पास गई, तो जब उन्होंने बताया सब कुछ, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, तो सर उनके साथ भी मतलब उन लोगों ने बुरा बर्ताव किया, मतलब सर बहुत हरासमेंट की है सर उन्होंने मुझे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। और सर उसके बाद में जब मैंने कंप्लेन की, तो कोविड के वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो इसके वजह से सर मतलब पुलिस मतलब कमिश्नर के पास गई मैं, पुलिस कमिश्नर के पास जाके सर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा लेट किया सर कोविड के वजह से, वो भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद में सर मैं होम मिनिस्टर के पास गई, मैं अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हेल्प की मेरी। उसके बाद सर मैं नीलिमा गोरे मैम के पास गई, तो जब उन्होंने मेरी केस को फाइल किया और एक्शन लिया, तब जाके उसको सज़ा दी गई है। कितने महीने की सज़ा? सर उसको 1.5-2 महीने की सज़ा हुई है।
जब आप जा रहे थे इस संघर्ष करने के लिए, तो सबसे पहली बात अगर बात की जाएगी तो मीडिया का भी दबाव पड़ा हो, किस किन मीडिया प्रसार माध्यमों ने आपका साथ दिया, क्या कहेंगे? सर मुझे काफ़ी सारे मतलब मीडिया ने साथ दिया हुआ है, जैसे आपके चैनल ने, विदर्भ न्यूज़ ने और न्यूज़ 18 लोकमत, मतलब काफ़ी सारे वीडियो न्यूज़ चैनल ने मुझे सपोर्ट किया, तब जाके सर मैं इस मुकदमे तक पहुंची हुई हूँ और खुद को मतलब कहती हूँ कि नहीं मतलब मैंने थोड़ा बहुत तो मुझे जस्टिस मिला हुआ है और मैं अभी जजेस पे पूरा भरोसा करती हूँ कि मुझे वो जस्टिस वो पूरा करे अब मेरा। एक अंतिम सवाल कि जो लड़कियाँ ऐसे कंडीशन में सुसाइड कर लेती है या फिर पूरी तरह से टूट जाती है या फिर अपना होश खो बैठती है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आपने संघर्ष किया? सर जैसे लड़कियाँ करती है तो मतलब ये तो दिमाग में ख्याल मेरा भी आया था कि मैं भी कहीं पर सुसाइड करूँ या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यही नहीं सर, मैं दिन रात रोती रहती थी लेकिन सर मैंने हार नहीं मानी, मतलब मैं वो निर्भया नहीं बनना चाहती थी कि मैं कोई मुझे आके इसे ऐसे टॉर्चरमेंट करे या फिर मार जान से मार डाले, तो बस मैंने सर कदम उठाया और चल पड़ी सर रास्ते पे। तो देख सकते हैं आपकी ये कितनी दर्द भरी जो कहानी है और संघर्ष भरी कहानी है, एक लड़की की है जो कि शिक्षित है, जो पुणे में जाती है, जॉब करती है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, बखूबी ये प्यार परवान चढ़ जाता है, विश्वास होता है कि वो लड़का ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो लड़का इतना नालायक निकलता है और इतना बेपरवाह निकलता है कि उस लड़की को छोड़ देता है। फिर शुरू होता है इस लड़की के संघर्ष की कहानी, जहाँ ना तो परिजन उसके साथ है, ना ही उसके दोस्त लोग साथ थे, ना कोई, बावजूद इसके उसने एक संघर्ष किया पिछले 2 साल से, ये लड़की कतई अपनी जो दुख भरी जो दास्ता है उसको भूलकर ये संघर्ष कर रही है और आज इसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। दुख इस बात का है इस लड़की को, इस पीड़िता को, कि आज जो इसके साथ जो अपराध कर चुका है या फिर इसके साथ जो छल हो चुका है, वो जो अपराधी है वो आज कंडीशनल बेल पर बाहर है, बावजूद इसके फिर से वो संघर्ष करने के लिए तैयार है और अपने जैसे उन तमाम लड़कियों को भी वो यही मैसेज देती है कि वो हिम्मत ना हारे, ऐसी अगर सिचुएशन हो कि संघर्ष करे, ताकि उन लड़कों को भी सबक सिखा सके जो कि इस तरह के अत्याचार में पूरी तरह से 100% अपराधी होते हैं। कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़ नागपुर। अफगानिस्तान में न्यूज़ कवर करते समय भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिन्हें सोमवार को नागपुर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नागपुर प्रेस जगत के फोटोग्राफर ने दानिश सिद्दीकी के साथ अपनी यादों को वीकेबी न्यूज के साथ साझा करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या हो गई। अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और जगह जगह हिंसा हो रही है, इस बात के चलते भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई, जिससे भारत में काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को नागपुर में दानिश सिद्दीकी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां नागपुर मीडिया जगत के जाने माने हस्तियों समेत राजनीति से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित थे। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का नागपुर से भी नाता जुड़ा है, जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेलने शहर आया करते थे। उनकी उन्हीं यादों को कुछ फोटोग्राफर के जरिए तरोताजा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। त्यामुळे माझी सारखी बाहेर पण भेट व्हायची त्यांची, फार मनमिळाव आणि चांगला फारच म्हणजे कोऑपरेटिव्ह होता, हेल्प करणारा, गाईड करणारा या प्रकारचा होता आणि कधी पण मार्गदर्शन करायला तत्पर होता, त्याच्यामुळे त्याच्याबरोबर राहण्याकरता असं फ्री वाटायचं, काही असं कधी वाटलं नाही की हा मोठा फोटोग्राफर आहे किंवा कधी जाणवू दिलं नाही त्याला, त्याच्या कामात फार तत्पर होता तो। ही इज अ व्हेरी कमिटेड फोटोग्राफर, डेडिकेटेड फोटोग्राफर, आणि त्याला 2018 पोलीस जर अवॉर्डनी पण सन्मानित केलं गेलेलं आहे। नागपूर के पाचपावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अवैध तरीके से शराब बेचने वाले आरोपी पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने शराब का माल जब्त किया है। इन दिनों शहर में कोरोना से नियमों की पाबंदियां लागू है, ऐसे में शहर में कुछ लोग अवैध शराब बेचने का कार्य जोरों पर कर रहे हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए पांचपौली पुलिस ने सुजाता नगर में रहने वाले प्रणय उर्फ गोलू सुधाकर दामले के घर से हजारों रुपए की शराब बरामद की है।
बताया जा रहा है कि गोलू अपने घर से इसे बेचा करता था, जो गैर कानूनी है। इस बात की भनक लगते ही पांच पौली पुलिस ने उसके घर पर छापामार कार्रवाई कर शराब का माल जब्त कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज दिनांक रोजी आमचे डीबी चे पुलिस हवालदार श्री रवि मिश्रा हे रेकडवारी गुन्हेगार चेक करत असताना पेट्रोलिंग करीत होते, त्यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की आरोपी प्रणय उर्फ गोलू सुधार पाटील यांच्याकडे दारूचा साठा आहे। त्यावरून ते डीबी पाटील ही त्यांच्या राहत्या घरी जाऊन रेड कारवाई केली, त्यामध्ये एकूण कोपनहेगन डेन्मार्क ट्यूबर प्रीमियम बियर याचे एकूण 8 खरड्याचे खोके मिळून आले, त्यामध्ये 96 बियर बॉटल्स होते, त्याची किंमत 17,280 रुपये असे मिळून आले। त्यावर रेड कारवाई करून त्याच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात आला। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।